78 साल गुजरने के बाद केस का फैसला आखिरकार सुना ही दिया गया। दो फरीकैन के दरमियान तीसरे शख्स की जमीन पर लड़ाई, लेकिन अदालत के फैसले के मुताबिक ये जमीन किसी के हाथ न आई। लाहौर की हाई कोर्ट ने कायम पाकिस्तान से कबल के 78 बरस पुराने अराजी से मुतालिक एक केस का फैसला सुना दिया। तफसीलात के मुताबिक 1944 में फजल महमूद और असलम नामी अफराद ने लॉयलपुर में 19 कनाल अराजी धना सिंह नामी शख्स को फरोख्त की, जो 1947 में आजादी के बाद भारत चला गया। सन 1951 में फजल महमूद के बेटे ने वालिद के खिलाफ जमीन बेचने पर केस जीत लिया, लेकिन दूसरे फरीक ने 1962 में इस फैसले को मंसूख करने की दरख्वास्त दी, जिसे सिविल अदालत ने मंजूर कर लिया। खालिद महमूद ने फिर से फैसले के खिलाफ अपील की, जो मुस्तरद हो गई। जबकि दूसरे फरीक की जानिब से सिविल अदालत के फैसले पर अमल के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई, जिस पर अदालत ने कहा कि सिविल कोर्ट का ऑर्डर गैर कानूनी था, अराजी बुनियादी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की हो चुकी थी, दोनों दरख्वास्त गुजारों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने सिविल कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया। इसके अलावा अपील दायर करने वाले मरहूम नजीब असलम के वारिसान पर भी 2,00,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।